यही नहीं, अभी और सुनिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जब तक बानी पीटीआई है तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में हमें हर रोज नित नए लतीफे सुनने को मिलते हैं। आजकल काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हुकूमत हाथ पांव मार रही है, लेकिन साइक कायम अली शाह का कहना है कि काजी के एक्सटेंशन के लिए अगर तरमीमी बिल पास नहीं हो रहा तो नादरा से काजी साहब की उम्र कम करवा लें, यानी कि न डोला होसी तो न रोला होसी। इसी तरह साई सरकार मजीद फरमाते हैं कि अगर आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर कम है तो मेरा जोंग और टेलीनार का नंबर ले लें। इसी तरह पीटीआई के जमशेद दस्ती का कहना है कि पाकिस्तान 6 जंगें लड़ चुका है, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान बल्ले की जगह लंदन से लाए गए दल्ले से हो रहा है। की कसम कह के कहता हूँ, ये सच्ची बात है। आज भी एस्टेब्लिशमेंट इनसे हाथ हटा ले, नवाज शरीफ जरदारी लंदन जाके टट्टी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ फनी और मजाए तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सबसे पहले इस बंदे को देख लें जो आवाम से खिताब कर रहा है। इस बंदे ने मरियम नवाज की सारी पॉलिसी सबके सामने बता दी। इसके बावजूद मरियम नवाज ने कहा कि कितने अमीर लोग करना को फंड दिता वाजी, गरीबों की मां को फंड दिता वाजी। दोस्तों, ये सोशल मीडिया के आतंकवादी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और फिर कहते हैं कि मेरे घर के बाहर वीगो डाला आ गया, अब ये किसने कर दिया। मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर दिखाएं मेहरबानी करके प्लीज। मौजूद मेहमान भाई रहने दे यार, प्लीज ब्रो, सब देख रहे हैं इंशाल्लाह। इसको हटा दें इसको। यही नहीं दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सियासत के असली सुल्तान बन चुके हैं जो सबको अपनी उंगलियों पर नचवा रहा है। आजकल मौलाना साहब पर शदीद रश लगा हुआ है और हालात कुछ इस तरह के हैं। दोस्तों, मियां साहब दुनिया के वो वाहिद बंदे हैं जो लंदन जाकर भी ठीक नहीं हुआ, ये बंदा पाकिस्तान में हुकूमत मिलते ही ठीक हो गया। अब तो आवाम इसको देखते ही कुछ इस तरह का रिएक्शन देते हैं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। हेलो, कबरी मेरे खुद के सारे पैसे लेके चले गए, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, बता जी तुम लोगों में से भाग रहे हो, फकीरों से भाग रहे हो, कुछ तो शर्म करो। दोस्तों, अब आते हैं शेर अफजल मरवत की तरफ। ये बंदा अपनी शरारतों से कभी भी बाज नहीं आता। अब जरा इसकी टूटी फूटी पंजाबी भी सुन ले। फातमा नहीं थी सकता, समझे समझे वजात करी देना, गुलाम फातमा नहीं थी सकता। यही नहीं, शेख रशीद का कहना है कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता क्योंकि जेल मेरा ससुराल है, लेकिन शेर अफजल मरवत का कहना है कि शेख रशीद की तो अभी शादी भी नहीं हुई तो फिर ससुराल कहाँ से आ गया। शेख साहब कहते थे जेल मेरी ससुराल है। उसकी तो शादी नहीं हुई, ससुराल किधर से आ गई। दोस्तों, लगता है पीपल्स पार्टी में सारे पागल भर्ती हो गए। ये जनाब सिंध के वजीर आला है जिनका कहना है कि लंदन में 365 दिन में से 465 दिन बारिश होती है। तारेंगे जी, लंदन में बारिश हो रही है और मैं घूम रहा हूँ और ये कराची में क्या हो गया। तो भाई लंदन में तो 24 घंटे, वो कहते हैं कि लंदन में 365 में से 465 दिन बारिश होती है, लंदन में 365 में से 465 दिन बारिश होती है, 365 में से 465 दिन बारिश होती है। 300
दोस्तों एक तरफ इस हुकूमत ने आवाम का जीना हराम कर रखा है, दूसरी तरफ हमारी आवाम भी मौका मिलते ही टिकटॉक की वजीर आला को पेंटी लगाना शुरू कर देते हैं। अब जरा इस माजी को भी देख लें जो मरियम नवाज के लिए एक खूबसूरत गाना गा रही है। मरियम काला जोड़ा पा मैं खोती बढ़ के दिखा, मरियम काला जोड़ा पा मैं को बिल्ली बढ़ के दिखा। लो जी दोस्तों, लगता है इस न्यूज एंकर को भी अपनी जान प्यारी नहीं है, इसने तो आईनी तरमीम की जगह कुछ और ही बोल दिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नई आर्मी और नई आर्मी नई आईनी तरमीम और मैं खाले शाह आर्मी से हम सब लोग का थोड़ा सा एक फीलिंग रिलेटेड है, तो इसलिए दिल से निकल जाते समटाइम्स, बट दिस इज नई आर्मी आईनी तरमीम। दोस्तों बिलाशुबा इमरान खान एक अवामी लीडर है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं। अब जरा इसे अफ्रीकी नौजवान की बातें भी सुन लें। पाकिस्तान आए हो आपको भी, आपने नाम नहीं बताया ना आपने। बिलाल माशाल्लाह आपका अच्छा। पाकिस्तान आने का दिल नहीं चाहता आपको? इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे। खान साहब आएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, खान साहब के आशिक है। खान साहब के आशिक है भाई, खान साहब के आशिक है, रोजाना सुनते हैं उनको। इसी तरह हमारे वजीर आजम साहब की बातें भी सुन लें। ये बंदा हर रोज सत्तू पीकर असेंबली में आ जाता है और फिर इसकी हालत कुछ इस तरह की होती है। 1993 में बल्कि 92 में सॉरी 2014 कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दोस्तों इस बंदे की बेगम जब से वजीर आला बनी है इसे लेफ्टी नहीं करवा रही, इसलिए गर्मी अब इसके दिमाग को चढ़ गई है, इसलिए हर जगह अपना गुस्सा निकालता फिरता है। मैं चोर इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, ये पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन चोरों की आवाजगा है, रिकॉर्ड करो बच्चों और चलाओ मीडिया पे। ये इलेक्शन कमीशन हमेशा फेल हुआ 1947 से लेके आज तक, ये मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा सका, सब सिफारशी बैठे हुए इलेक्शन कमीशन। लो जी दोस्तों अब तो सऊदी अरब ने भी अपने मुल्क में भिखारियों का आना बंद कर दिया है, अब तो शरीफ खानदान का असल कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा। सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान भिखारी बीमार और गैर हुनरमंद अफराद ना भेजे। जब मैं आया हूँ तो आप समझे, आप समझेंगे शायद ही मांगने आया हूँ, तो आप समझे, आप समझेंगे शायद ही मांगने, शायद ही मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। इसी तरह अब इस दो कौमी नजरिए को भी देख लें, एक को चुम्मी और दूसरे को चपेड़े, क्या ये खुला तजाद नहीं? दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।